नाइस फ्यूचर एकेडमी इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल नरियावल में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। आपको बताते चलें, खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से है, जहां पर विकास खंड भित्री चैनपुर की ग्राम पंचायत नरियावल में स्थित नाइस फ्यूचर एकेडमी इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधन द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगवाई गई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कंप्यूटर, पर्यावरण एवं सौर मंडल के मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में एबीपी 9 न्यूज ने विद्यालय प्रबंधक का साक्षात्कार लिया। पेश है एबीपी 9 न्यूज की खास रिपोर्ट संवाददाता बिमलेश शर्मा के साथ। आपका नाम? माय नेम इज तानिया शर्मा। ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये क्या प्रदर्शित करता है? आपने ये किस चीज का मॉडल बनाया है बेटा? बताएं इसके बारे में। यह टैप लाइट है, रेड लाइट से टू स्टॉप, लाल बत्ती रुकने के लिए कहती है, येलो लाइट से टू ब्रेक, पीली बत्ती इंतजार के लिए कहती है, ग्रीन लाइट से टू गो, हरी बत्ती जाने के लिए कहती है। प्लीज फॉलो द ट्रैफिक लाइट। हमें टैप लाइट का पालन करना चाहिए। आपके साथ और कौन, किस किस ने बनाया है ये? का बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी 9 न्यूज चैनल में। और आज हम आए हुए हैं जिला बरेली की विकास खंड पृथ्वी चैनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरियावल में, जहां स्थित है नाइस फ्यूचर अकेडमी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जहां पर आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जानते हैं प्रबंधक महोदय से कि क्या उद्देश्य है इस विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एबीपी 9 न्यूज चैनल। सर जो आपने आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? इसका मेन उद्देश्य तो बच्चे में किताबी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बच्चों में किताबी के अंतर्गत एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है, सर का कहना है। और हमने आपका मॉडल देखे, बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत करी है मॉडल बनाने में। जैसे मैंने देखा कि कंप्यूटर के बारे में आपके ज्यादातर मॉडल है, तो कंप्यूटर के विषय पे आपका ज्यादा फोकस रहा है, इसका मतलब क्या कहना है? देखिए सर, वर्तमान युग भी कंप्यूटर का है, आने वाला समय भी कंप्यूटर का ही है, इसलिए हमारा फोकस कंप्यूटर पर थोड़ा ज्यादा है। आज भी जो भी काम हो रहे हैं सारे कंप्यूटर से। जी, अभी हमने देखा एक बच्चे ने पर्यावरण का बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया हुआ है, तो पर्यावरण के बारे में जो आप अनुभव किया है, इसका क्या उद्देश्य है आपका, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण, देखिए पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं हर जगह वातावरण जो है दूषित होता जा रहा है, और ये इस समय जहाँ भी देख रहे हैं आप, गांव में भी आप अगर जाएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य मेन उद्देश्य हमारा ये है बच्चों को समझाना, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। मतलब विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, एक बच्चे ने अभी ट्रैफिक लाइट का मॉडल बनाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ट्रैफिक लाइट का से क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है बच्चों को समझाना? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश में अमूमन पर डे, हमने अभी पढ़ा था कि 418 एक्सीडेंट हो रहे हैं पर डे, इसमें जाने जा रही है। तो हम अगर बच्चों से अभी से उनको जागरूक रखेंगे ट्रैफिक नियमों के बारे में, समझे आपके स्टाफ का कितना सहयोग रहा? हमारे यहाँ स्टाफ ने काफी सहयोग किया, इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर सर है श्याम सर, साइंस कंप्यूटर सर है, टीचर है हमारे अंशुल, साइंस टीचर है हमारे आदि अनिश सर, फिर उसके बाद काजल है, शिवरतन सर है, काफी टीचर हमारे काफी सहयोग रहा इनका। मैंने ये देखा ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल स्थित होने के उपरांत भी तो आपने ये किया है, ये हमने शहरों में ज्यादातर देखा है, आपने विद्यार्थियों को गांव में लेकर आए हैं, तो आपके दिमाग में कैसे सुझाव आया है, सुझाव दिया क्या, सब कहना चाहिए विज्ञान प्रदर्शनी लगाने में? देखिए एग्जीबिशन तो हमारे यहाँ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसका उद्देश्य केवल यही था कि बच्चों को नई से नई जानकारी दी जाए, जो शहर में काम हो रहे हैं तो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ के बच्चे शहर में जाएंगे, और यहाँ गांव देहात में ऐसा नहीं हो जानकारी है लोगों को, कराते रहिए केवल खर्चे की वजह से। जैसे कि इंग्लिश मीडियम नाम है आपके स्कूल का, जो आपने इंग्लिश मीडियम नाम रखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक चलेगा? अभी तक तो हमारे पास एनसी टू ग्रेड 1 का है इंग्लिश मीडियम। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल? सुविधा में देखिए बच्चों के लिए हमारे पास बड़ा ग्राउंड है, तो बच्चे खेल कूद सकेंगे, इसमें उनका विकास होता है, व्यायाम वगैरह। दूसरा, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, इससे अपने टीचरों की मॉनिटरिंग कर सकें कौन क्या कर रहा है। तीसरा, अब मैं सर से जानना चाहूंगा कि आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता के लिए?
जनता के लिए हम क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए कितना अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो संदेश दिया है सर ने।